मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रवीण कुमार जगनाथ जी, शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री श्रीमती लीला देवी दुकन लक्ष्मण जी, भारतीय उच्च आयुक्त श्री अभय ठाकुर जी, मॉरिशस के सभी हिंदी प्रेमियों, देवियों और सज्जनों, मित्रों, भारत से एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन मेरे साथ भी आया है। हमारे साथ हैं श्री अश्विनी कुमार चौबे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार, और जो बिहार राज्य से चुनकर आते हैं। दूसरे संसद सदस्य, वो भी बिहार राज्य से चुनकर के आते हैं, बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, पूर्व में भारत सरकार के काबीना मंत्री रह चुके हैं, और जिनको हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले सुना भी, श्री हुकम देव नारायण यादव जी। हमारी संसद सदस्य जो राज्यसभा में हैं, तमिलनाडु से आती है श्रीमती विजला सत्यानंद जी। हमारे एक अन्य संसद सदस्य हैं जिनकी पैदाइश हुई बिहार में, लेकिन उनका वर्चस्व बिहार से निकल करके दिल्ली भी पहुंच गया, और उनको जब लोकसभा में भेजा गया तो वो दिल्ली से चुन करके गए हैं, श्री मनोज तिवारी जी। एक अन्य संसद सदस्य हैं जो कि भारत के बिल्कुल आखिरी छोर पर, जो एक छोटा सा राज्य है पुडुचेरी, वहाँ से चुनकर के आते हैं, श्री आर राधाकृष्णन जी। भारत मॉरिशस मैत्री से जुड़े हिंदी भाषा के विकास के समारोह में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ के समारोहों में आकर ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं अपने लोगों के बीच में आ गया हूँ। यह अपनेपन का एहसास आप लोगों के सहज स्नेह की वजह से होता है, और जब से मैं मॉरिशस आया हूँ, आज तीसरा दिन है, लेकिन लोग जब अपने घर से, अपने देश से बाहर जाते हैं तो घर की बहुत याद सताती है, लेकिन यहाँ आकर के मुझे घर की याद भूल गया, और लगता है कि मैं शायद भारत के ही किसी राज्य में हूँ। यह विश्व हिंदी सचिवालय भारत और मॉरिशस सरकारों की द्विपक्षीय संस्था के रूप में दोनों देशों की आपसी मित्रता और साझी परंपरा का प्रतीक है। मुझे इस बात की खुशी है कि विश्व हिंदी सचिवालय का काम अब आधुनिक तकनीक से युक्त इस नए भवन में प्रारंभ हो जाएगा। अपनी इस यात्रा के दौरान मैंने आप सभी मॉरिशस भाइयों की उस भावना का गहराई महसूस की है, जिसके कारण आपने अपने देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे आमंत्रित करके अपनी खुशी हमारे साथ बांटी है। मैं भी आप सबको अपनी ओर से और 130 करोड़ भारतीयों की ओर से आप सबको इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं भारत सरकार और सभी भारतवासियों की ओर से मॉरिशस के चौमुखी विकास, समृद्धि और मजबूत लोकतंत्र के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। मैं इस अवसर पर यह संकल्प दोहराना चाहता हूँ कि भविष्य में भी हम देश एक दूसरे का सहयोग करते हुए आपसी समर्थन जारी रखेंगे। आपसी समझ, एक दूसरे के प्रति विश्वास
और सहयोग की भावना के साथ साथ हम विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। भारत और मॉरिशस दोनों देशों के समाज और संस्कृति में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंदी के माध्यम से विश्व भर में फैले अप्रवासी भारतीयों ने अपने संस्कारों और परंपराओं को सहेजा है और आने वाली पीढ़ियों को इससे जोड़ा भी है। इसी कारण आज हिंदी विश्व के एक बड़े समुदाय के जीवन में घुल मिल गई है। लगभग 200 वर्ष पूर्व भारत से मॉरिशस आए प्रवासी भारतीयों के लिए हिंदी ने संघर्ष के दिनों में संबल दिया। आज मॉरिशस में हिंदी भाषा घर की बैठकों से लेकर विश्वविद्यालय तक प्रयोग में लाई जा रही है। अनेक देशों में हिंदी बोलचाल की भाषा है, शिक्षा और संस्कृति की भाषा है। जैसे सूरीनाम में हिंदी में सूरीनामी का प्रभाव दिखता है, दक्षिण अफ्रीका में नेटाली का, और उसी प्रकार से मॉरिशस में भोजपुरी का भी प्रभाव दिखता है। रवा सब हिंदी के सेवा करे मैं बहुत आगे बानी। जब मैं कल एक विजिट पर गया था अप्रवासी घाट, वहाँ पर जो स्वागत हो रहा था वो सभी हमारी बहनें भोजपुरी में, भोजपुरी का संगीत और भोजपुरी का गीत, उसका गीत और संगीत सुनकर के मुझे लगा कि शायद मैं बिहार में आ गया। भारत सरकार ने कामकाज और संवाद के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रयोग को बहुत प्रोत्साहन दिया। इसके अलावा विज्ञान, तकनीकी, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं ने अनेकता में एकता का उदाहरण देखा जा सकता है। भाषाओं के अलग अलग होने के बावजूद भारतीय साहित्य की एक साझा पहचान है। तमिल के महाकवि सुब्रमण्य भारती को राष्ट्रीय चेतना का कवि कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी कविताएं पूरे देश में अनेक भाषाओं में पढ़ी और गाई जाती हैं। मुझे बताया गया है कि आप सब लोगों के दैनिक जीवन में भी हिंदी के प्रयोग के प्रति सजगता और उत्साह है। इसी तरह मॉरिशस में हिंदी का भविष्य सुरक्षित है। मॉरिशस में बहुत सी भारतीय फिल्मों की शूटिंग हुआ करती है, खासकर हिंदी फिल्मों की। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति भारत में बहुत सराहे जाते हैं। अनेक देशों में लगभग 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। पूरी दुनिया को एक परिवार समझने वाली वसुधैव कुटुंबकम की भावना हिंदी भाषा की सोच का हिस्सा है। इसी भावना के साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1977 में जनता सरकार में विदेश मंत्री रहते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पहला भाषण हिंदी में ही दिया था। वह भाषण बेहद लोकप्रिय हुआ था। पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की गूंज हुई। भाषण खत्म होने के बाद सभी देशों के प्रतिनिधियों ने खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी जी का तालियों से स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी को स्थापित करने के उनके प्रयास को हम सब भी मिलकर और आगे ले जाएंगे। इसी वर्ष अगस्त के महीने में मॉरिशस में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन होने जा रहा है। भारत के अलावा मॉरिशस एकमात्र ऐसा देश है जहां पर यह सम्मेलन तीसरी बार आयोजित होने जा रहा है। यह सब आपके गहरे हिंदी प्रेम का प्रमाण है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन में विश्व भर के हिंदी प्रेमी सार्थक विचार विमर्श करेंगे और हिंदी के विकास की नई संभावनाएं तलाशेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन के दौरान इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया है कि इस सम्मेलन में वो मॉरिशस सरकार की ओर से सम्मेलन की सफलता के लिए हर सहयोग देने के लिए तैयार रहेंगे।
मैं आप सबको आगामी हिंदी सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भाई और बहनों, लगभग 200 वर्ष पूर्व जब आपके पूर्वज भारत से मॉरिशस आए थे, तब उनके पास शोषण का सामना करने के लिए केवल साहस, धीरज, अपनी संस्कृति और आस्थाओं पर विश्वास और मेहनत की पूंजी थी। अपनी इसी पूंजी के बल पर उन्होंने पूरी दुनिया को अपने अस्तित्व का एहसास कराया और विश्व मानचित्र पर अपने देश मॉरिशस को एक अलग पहचान दिलाई। भावनात्मक एकता के ठोस आधार पर टिके हुए भारत और मॉरिशस के संबंधों को परस्पर सहयोग द्वारा निरंतर मजबूत बनाया जाता रहा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सन 2015 की यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को एक नया आयाम दिया। आपके प्रधानमंत्री श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ के नेतृत्व में मॉरिशस सरकार ने भारत को अपनी विकास यात्रा में एक सहयोगी मित्र राष्ट्र माना। आपके विकास में साझेदार बनकर हमें गौरव और प्रसन्नता का अनुभव होता है। इस साझेदारी से दोनों देशों के संबंधों में एक नए युग का सूत्रपात होता है। इस साझेदारी के तहत मॉरिशस सरकार ने इस भवन के निर्माण के अलावा सोशल हाउसिंग, ENT हॉस्पिटल तथा विद्यार्थियों को ई टैबलेट्स उपलब्ध कराने आदि पर कार्य किया। इन सभी लोक कल्याण की सुविधाओं का उद्घाटन करके आज मुझे प्रसन्नता भी हो रही है। इन सुविधाओं और परियोजनाओं से मॉरिशस की अर्थव्यवस्था और सामाजिक प्रगति को बल मिलेगा। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की कक्षाओं को आधुनिक तकनीकी से युक्त स्मार्ट कक्षाओं का रूप देने के लिए भारत सरकार की सहायता से ई टैबलेट्स उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसी कक्षाओं में भविष्य की पीढ़ियों का निर्माण होगा। मुझे बताया गया है कि भारत सरकार के सहयोग से मॉरिशस में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कार्य प्रगति पर है। इनमें मेट्रो परियोजना हमारे आपसी सहयोग की नई और महत्वपूर्ण कड़ी है। हमें विश्वास है कि इन परियोजनाओं से मॉरिशस के नागरिकों का जीवन और बेहतर बन सकेगा। भारत और मॉरिशस के संबंधों में भारतीय मूल के लोगों के विशिष्ट स्थान को देखते हुए भारत सरकार ने 14वें प्रवासी भारतीय दिवस 2017 के अवसर पर मॉरिशस के भारतीय मूल के सभी नागरिकों और उनसे वैवाहिक संबंधों से जुड़े हुए सभी लोगों को OIC कार्ड के लिए विशेष व्यवस्था की है। मुझे खुशी है कि मॉरिशस के नागरिक इस योजना में अपनी रुचि दिखा रहे हैं और बड़ी संख्या में इस योजना से लाभान्वित भी हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, भारत और मॉरिशस को मैं दो बड़े संयुक्त परिवारों के रूप में देखता हूँ, जहाँ विभिन्न भाषा और धर्म के लोग शांति और सद्भावना के साथ रहते हैं। विभिन्नता में एकता हमारी सांस्कृतिक पहचान रही है। दोनों देशों ने एक जैसे आदर्शों और सपनों के आधार पर विकास की नींव रखी है। दोनों की संस्कृति उदारता और पूरे विश्व को एक परिवार समझने की सोच पर आधारित है। यही सोच हम दोनों देशों की सबसे बड़ी ताकत है और इसी आंतरिक शक्ति के बल पर आज हम विश्व में अपनी पहचान बना सके हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी इस शक्ति को, इस ताकत को बचाए रखें, समस्त विश्व की भलाई करें, जिससे लोग अनुभव करें कि पूरी मानवता एक है। मैंने अपनी यात्रा के दौरान आप सभी मॉरिशस के लोगों के दिलों में भारत के प्रति गहरे लगाव और विश्वास का अनुभव किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हम भारतवासियों के दिलों में भी मॉरिशस के आप सभी निवासियों के लिए अपनेपन की यही भावना गहराई के साथ बनी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों देशों की यह मित्रता और भी मजबूत होगी और दोनों देशों के हिंदी प्रेमी इस प्रगाढ़ता को बढ़ाने में सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद।